गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ इम्पोर्टेंट टर्म बना दिए थे, जैसे कि इंटेंसिटी रेशियो क्या होता है, केमिकल सिफ्टी कहाँ पर आता है, डाउनफील्ड क्या है, सीडिंग क्या है, डिसीडिंग क्या है, और साथ साथ में हमने एनएमआर का स्पेक्ट्रम बना दिया था। तो कोई भी न्यूमेरिकल कंडीशन, न्यूमेरिकल पोर्शन आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसमें छोटी सी गलती भी आपकी दिक्कत कर देगी। अगर आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम भी आ गया तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइटम आपने कहां पर रखा है, कौन से कार्बन के बगल में रखा है, तो उससे भी आंसर गलत हो जाएगा। तो उसको हमें इसके हिसाब से देखना है, केमिकल सिफ्टी के हिसाब से देखना है, जो उसने पॉइंट दिए हैं कि कहां कहां पे सिग्नल आते हैं। तो हमारा बेसिक पहले इसमें कंप्लीट हो गया था, केमिकल सिफ्टी बताया, देन उसके बाद हमने देखा था उसमें कि एन प्लस वन रूल क्या होता है, फिर इंटेंसिटी रेशियो क्या होता है। इंटेंसिटी रेशियो के बाद हमने एक छोटा सा प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते एग्जाम्पल के हिसाब से, और देन उसका स्पेक्ट्रम बना दिया। अब देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं, ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो, दो प्रॉब्लम में हमने सॉल्व कर रहा हूं आपकी। सपोज करो क्वेश्चन ऐसे आता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड ई C9H10O, और जो डेटा गिवन किया है H1NMR डेटा इसने दिया है। फर्स्ट पॉइंट क्या है, 1.2 डेल्टा ट्रिपलेट थ्री हाइड्रोजन, यानी तीन हाइड्रोजन 1.2 पे क्या दे रहे हैं, ट्रिपलेट दे रहे हैं। ऐसे ही दो हाइड्रोजन 3.0 डेल्टा पे क्वार्टर दे रहे हैं, ऐसे ही फाइव हाइड्रोजन 7.4 डेल्टा पे मल्टीप्लेट दे रहे हैं। तो ये तीन इसने आपके एनएमआर डेटा दिया है और कह रहा है व्हाट आर केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड, तो हमें इसका केमिकल स्ट्रक्चर बनाना है। तो देखिए क्या क्या कंडीशन होती है, सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डी बी ई डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तीन टाइप के होते हैं, एक सिंपल हाइड्रोकार्बन के लिए जिसमें नाइट्रोजन और हेलोजन ना हो, सिंपल हाइड्रोकार्बन हो गया, और एक जिसमें नाइट्रोजन होता है उसके लिए, और एक जिसमें हेलोजन होता है उसके लिए। तो सिंपल हाइड्रोकार्बन है, नाइट्रोजन और हेलोजन इसमें है नहीं, तो सिंपल वाला फॉर्मूला होता है डी बी ई, यानी इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में कितने डबल बॉन्ड है इसमें ये पता लगाते हैं। डी बी ई हो गया आपका एक्स प्लस वन माइनस वाई अपॉन टू, ये हो गया, जहां आपका एक्स है नंबर ऑफ सी एटम यानी कार्बन एटम, वाई है नंबर ऑफ एच एटम। ये अब इसमें सिंपल देख लीजिए, अगर यहां पर नया हेलोजन होता तो हेलोजन वाई में से माइनस हो जाता, और अगर नाइट्रोजन होता तो वाई के साथ जुड़ जाता, तो ये सिंपल हाइड्रोकार्बन है, वो नेक्स्ट में देखेंगे हम। अब इसका डीबी देखो कितना आया, एक्स क्या हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम हो गया आपके नाइन, नाइन में वर्ड जोड़ देना है नाइन प्लस वन माइनस ब्रैकेट में वाई है आपका हाइड्रोजन टेन है, टेन अपॉन टू, ये आ जाएगा नाइन प्लस वन टेन माइनस टेन अपॉन टू फाइव, यानी टोटल बॉन्ड आ गया फाइव। पांच बॉन्ड जो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे उसमें पांच बॉन्ड आएंगे, और इस केमिकल सिफ्टी के हिसाब से देखेंगे कौन कहां पर जाएगा। अब देखिए जब कभी भी रिंग आ जाती है, सपोज करो ये रिंग है साइक्लोहेक्सेन, तो इसमें एक रिंग के हिसाब से एक बॉन्ड आता है, इसमें अगर हम कहेंगे डबल बॉन्ड कितने, तो इसको जीरो नहीं लिखना है, जब इसको निकालोगे आप तो इसमें वन आएगा, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट जो आपका रिंग जुड़ गई इसके लिए भी वन डबल बॉन्ड माना जाता है, तो इसमें वन हो गए, अगर बेंजीन बना देंगे तो तीन ये हो गए, रिंग होगी यानी फोर डबल बॉन्ड आएंगे इसमें, तो ये कंडीशन होगी। पहला स्टेप हमारा इसका क्लियर हो गया डीबी, यानी क्वेश्चन के काफी नजदीक चले गए हैं, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमारा C9H10 वो दिया था, इसमें हमारे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितने हैं फाइव है, वो हमने निकाला एक्स प्लस वन माइनस वाई अपॉन टू, सिंपल हाइड्रोकार्बन है, सिंपल हाइड्रोकार्बन के लिए ये फॉर्मूला लगता है, अगर इसमें हेलोजन होता हेलोजन को माइनस किया जाता है हाइड्रोजन से, और अगर नाइट्रोजन होता है तो उसको हाइड्रोजन के साथ ऐड किया जाता है, तब अपॉन टू करते हैं। सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया, सेकेंड पॉइंट आप देखिए क्या कंडीशन आ रही है, एन प्लस वन रूल तो हमने पहले लगा चुके हैं, उसको लगाने की जरूरत है नहीं क्योंकि इसने ट्रिपलेट पार्टी पहले दिया है, अगर ये नहीं दिया होता तो हम एन प्लस वन रूल लगाते हैं। पहले कंडीशन जब आते हैं देखो 1.2 KMS की तरफ जा रहा है,
क्योंकि इस पे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम नहीं होगा। देन उससे उसके बाद जा रहा है 3.037.4, इसको देखिए तो आप ये अनुमान लगा सकते हो कि ये बेंजीन नहीं है। अब देखो सबसे पहले क्या कह रहा है, नंबर वन, 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट, यानी 3 हाइड्रोजन ट्रिपलेट कब देगा, जब 3 हाइड्रोजन के बगल में बगल वाले कार्बन में 2 हाइड्रोजन होंगे, यानी ये CH3 CH2, ये 3 हाइड्रोजन है, N प्लस वन रूल लगाओगे 2+1 हो जाएगा ट्रिपलेट, पहला वाला हमारा ये क्लियर हो गया। दूसरा कह रहा है 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट दे रहा है, कैसे देगा, CH2 के पास 2 हाइड्रोजन है तो बगल में क्या होंगे, 3 हाइड्रोजन होंगे, यानी CH3 होगा, तो ये वाला हो गया CH2। पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट एक ही में आ गए हैं, ये 2 हाइड्रोजन क्वार्टेट देगा, ये 3 हाइड्रोजन इसके बगल 2 हाइड्रोजन 2+1 ट्रिपलेट, इसके बगल में ये हाइड्रोजन 1+1 रूल के साथ 3+1 4 यानी क्वार्टेट। उसके बाद तीसरा है, दूसरा पॉइंट है इसका, 5 हाइड्रोजन है 7.4 पे बेंजीन, यानी बेंजीन का आपको ग्रुप बना देना C6H6 है, तो एक हाइड्रोजन निकाल दोगे तो C6H5, तो उसका स्ट्रक्चर बनता है ये बन गया। अब देखिए अब हम इसको क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते हैं, जो सिंपल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था हमारा था C9H10O, ये टोटल में से हमने जो निकाला था इसको माइनस कर देंगे, 6 कार्बन यहां है, 7 8 C8, हाइड्रोजन कितने हैं, 5 यहां है, 6 7 8 9 10, 10 हाइड्रोजन है, तो अब इसको माइनस कर दो, इसमें से एक तो ऑक्सीजन बचा, हाइड्रोजन कुछ नहीं बचे, एक कार्बन बचा, यानी CO बचा है। अब देखिए अब हम कंडीशन देख लेते हैं, केवल CO को हमको एक ऐसा ग्रुप बनाना है, बॉन्ड कितने हो गए, 3 बॉन्ड इसमें, एक रिंग में है 4, ये CO को बॉन्ड बनाना है, ये बन गया। अब काउंट कर लो, 4 बॉन्ड इसमें हो गए, इसमें हो गए 5, तो DP हमारा 5 आया था, काउंट कर लो कार्बन को, 6 कार्बन 7 8 कार्बन और एक 9 कार्बन, हाइड्रोजन 5 इसमें 5 इसमें 10, ऑक्सीजन एक ये कंप्लीट हो गया, बॉन्ड भी कंप्लीट हो गया। अब हमें इसको जोड़ना है, देखो जोड़ते कैसे है, इस वाले को मिटा देते हैं हम, यहां पर ऐड करते हैं, जोड़ना कैसे है, स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो देखिए C=O, एक तरफ इसको जोड़ लेना, एक तरफ इसको जोड़ लेना, बहुत आसान है क्योंकि बेंजीन में कोई और ग्रुप जुड़ा नहीं है, CH2 CH3, ये हो गया इथाइल फिनाइल कीटो, तो ये स्ट्रक्चर हो गया इसका, देखो लोग यहां पर 1 2, ये सबका एक कह दिया इसलिए 3, और वैसे ये कल हमने जब रियलिटी पढ़ी थी तो इसका क्या था, 1 2 3 3 4 4 5, लेकिन इसने 5 हाइड्रोजन का मल्टीप्लेट कह दिया है, टेंपल सिग्नल लिखा होता है तो उसकी दिक्कत नहीं करनी है, तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया या आंसर हो गया। अब हम इसका H1 NMR स्पेक्ट्रा पढ़ रहे हैं, तो देखो क्या बनाना है, TMS सबसे कम इसका है, ट्रिपलेट का है ये वाले का, 3 हाइड्रोजन का ट्रिपलेट का क्या होता है, 1:2:1, ये हो गया आपका CH3 का ट्रिपलेट, क्योंकि इसका 1.2 आ रहा है, फिर किसका आ रहा है, क्वार्टेट का आ रहा है 3.0, ये थोड़ा टेम्पर से दूर जाएगा, 1:3:3:1, ये है आपका CH2 का क्वार्टेट। अब 5 हाइड्रोजन मल्टीप्लाई कह रहा है, तो इसका कोई बना दो, इनका रेशियो रख लेना, ये हो गया आपका बेंजीन के लिए, कहीं पे सिंगल लिखा होता है, कहीं पे मल्टीप्लाई लिखा होता है, कहां कहां पर आ रहे हैं इनका पॉइंट को हम नोट कर लेते हैं, 1.2 3.0 7.4, डेल्टा यानी कितने पार्ट्स पर मिले, तो 2 क्वेश्चन करेंगे हम इसमें, एक क्वेश्चन के लिए आप तुरंत इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़े इसमें। अब हम इसके बाद सेकंड क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं इसी को,
देखो क्या कह रहा है, मॉलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, अब हम इसमें दूसरा मॉलिकुलर फॉर्मूला डाल देते हैं जो मैंने वहां लिखा है C11H17N। तो ये मैंने पहले से ही लिख के लिया है, कहीं से क्वेश्चन ढूंढा है। इसमें क्या क्या कंडीशन है देखिए, इसमें कह रहा है 1.9 डेल्टा, 1.9 डेल्टा पे आपका आ रहा है ट्रिप्लेट और 6 हाइड्रोजन है। दूसरा आ रहा है 2.5 पे, 2.5 डेल्टा पे क्वार्टेट आ रहा है 4 हाइड्रोजन है। अगला है 3.6 पे, 3.6 डेल्टा पे आपका आ रहा है सिंगलेट 2 हाइड्रोजन। लास्ट वाला है 7.3 पे डेल्टा पे आपके 5 सिंगलेट आ रहा है 5 हाइड्रोजन। ये देखिए अभी भी कुछ नहीं पता चलता है वो 7.3 है तो इसका मीनिंग क्या है कि आपका एरोमेटिक कंपाउंड है, लेकिन 5 हाइड्रोजन वहां हमने पहले में मल्टीप्लाई लिखा था, सिंगलेट लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका स्क्रीनशॉट हमने ले लिया, अब हम आगे बढ़ रहे हैं इसी में, देखिए कैसे सॉल्व करना है। ये कह रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड C11H17N जिसका H1 NMR डेटा इसने दिया है 1.9 डेल्टा, ट्रिप्लेट 6 हाइड्रोजन, 2.5 डेल्टा, क्वार्टेट 4 हाइड्रोजन, 3.6 डेल्टा 5 हाइड्रोजन, 5 सिंगलेट 2 हाइड्रोजन, 7.3 डेल्टा सिंगलेट 5 हाइड्रोजन। तो कह रहा है व्हाट आर केमिकल स्ट्रक्चर्स ऑफ कंपाउंड। तो कंडीशन आपको क्या क्या लगानी है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि डीबी बॉन्ड कितने हैं, डीबी बॉन्ड के बाद आपको देख लो रग स्ट्रक्चर बना लो अकॉर्डिंग टू प्रोटॉन एनएमआर जो उसने आपका डेटा दिया है। रग स्ट्रक्चर बनाने के बाद टोटल जो मॉलिकुलर फॉर्मूला उसने दिया है, जो स्ट्रक्चर आपका आएगा उसको माइनस कर दो, और जो कंपाउंड आपका बचते हैं लास्ट में एटम उनका आप कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप बना दो, और जब उसका आप स्पेक्ट्रा बनाओगे, स्पेक्ट्रा आपको बनाना है अकॉर्डिंग टू केमिकल सिक्वेंस जो उसने वैल्यू आपकी पार्ट्स पर मिलियन में दी है। तो देखिए बहुत आसान लगेगा आपको, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिए ये आपका इस पे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो नाइट्रोजन क्या होता है हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा प्लस आ जाएगा, हाइड्रोजन होता तो माइनस आ जाता। तो क्या होता है डीबी बॉन्ड निकालने के लिए एक्स प्लस वन माइनस वाई प्लस एन अपॉन टू, ये आ गया। एक्स हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम, वाई हो गया नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एन हो गया नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। अब यहां पर देखिए एक्स हमको कितना दिया है, यहां पर ऐसे भी सॉल्व कर लो, एक्स इक्वल टू दिया है 11, वाई हाइड्रोजन है 17, एन दिया है 1। तो इसका डीबी बॉन्ड निकालते हैं, ये हो जाएगा 11 प्लस 1 ब्रैकेट माइनस वाई कितना दिया है 17 प्लस एन दिया है 1 अपॉन 2, ये आ जाएगा 11 प्लस 1 12 माइनस ये हो जाएगा 17 प्लस 1 18, 18 अपॉन 2 9, 12 में से 9 गया आपका आ जाएगा 3। तो हमारे पास इसमें 3 बॉन्ड होनी चाहिए 11 C11। इसमें नाइट्रोजन माइनस हो गया, एक मिनट, नाइट्रोजन माइनस रहेगा इसमें क्योंकि बॉन्ड गलत आ जा रहे हैं, बेंजीन कर दिया है तो 4 आना चाहिए, नाइट्रोजन आपका माइनस होगा, सॉरी हैलोजन इसमें ऐड होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 यानी 8 4 आ जाएगा। देखो ये मैंने क्यों आइडिया लगाया गलत हो गया करके, क्योंकि हमारा बेंजीन क्या है तो बेंजीन में 4 होते हैं, तो ये आपका खुद ही पता चल जाएगा ये माइनस होता है, नाइट्रोजन हमेशा याद रखना माइनस, हैलोजन आपका पॉजिटिव। तो 4 बॉन्ड आने हैं, अब हम इसका रग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। देखो सॉल्यूशन में नंबर फर्स्ट H1NMR डेटा जो दिया है उसके हिसाब से बना रहे हैं। फर्स्ट क्या कह रहा है 6 हाइड्रोजन ट्रिप्लेट 4 हाइड्रोजन क्वार्टेट, यानी हमें सिंपल सा देखना है CH3CH2, दूसरा भी यही हो जाएगा CH3CH2। यानी इसमें कंडीशन क्या है, जो 6 हाइड्रोजन है 6 हाइड्रोजन का केमिकल स्ट्रक्चर क्या है सेम है, एनवायरमेंट सेम है,
जैसे देखिए यहां पर तीन हाइड्रोजन होगा और तीन हाइड्रोजन दूसरे में होंगे, यानी छह हाइड्रोजन कैसे हुए, तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन ये क्या दे रहे हैं, छह हाइड्रोजन ट्रिपलेट दे रहे हैं, इनके बगल में दो दो हाइड्रोजन है। और उसके बाद नेक्स्ट वाला देखिए क्वार्टेट दे रहे हैं चार हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के बगल में तीन का तीन हाइड्रोजन है, थ्री प्लस वन फोर, इसका भी फोर, यानी ये आपका सी एस थ्री दो टाइप का है, केमिकल एनवायरमेंट सेम है, तो ये सिक्स हाइड्रोजन आपके ट्रिपलेट दे रहे हैं और उसके बाद फोर हाइड्रोजन आपका क्वार्टेट दे रहे हैं क्योंकि बगल में आपका सी एस थ्री है एन प्लस वन रूल के हिसाब से। तो दो कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद अब बात करते हैं, हम इसको थोड़ा छोड़ देते हैं, अब इसकी बात करते हैं क्योंकि इससे कंफ्यूजन है हमें कि दो हाइड्रोजन कार्बन के साथ होंगे या नाइट्रोजन के साथ, यहाँ पर कंफ्यूजन होता है उसको रोक लीजिए। अब हम नेक्स्ट करते हैं, ये कह रहा है थर्ड में बेंजीन, बेंजीन इसने बता दिया ये, तो हमारा ये बचा, उसको काउंट कर लेते हैं जो बचेगा उसको एडजस्ट कर लेंगे। इसमें हम मॉलिक्यूलर फॉर्मा C11H17N इनको जोड़ लो, छह कार्बन सात आठ नौ दस C10 एच कितने पांच नौ दस पंद्रह फिफ्टीन एच होगी। अब हमारे पास क्या बचा है, एक C बचा है, दो H बचे हैं और एक N बचा है। अब देखिए यहां पर किसके बनेगा, अगर सपोज करो हमने ये दो हाइड्रोजन कार्बन को दे दिए तब कार्बन की बैलेंसिंग कितनी हो जाएगी, दो हो जाएगी, दो और चाहिए, तो जबकि हमें ग्रुप कितने जोड़ने हैं, एक दो तीन और चौथा हमको एन भी जोड़ना है, तो एन की बैलेंसिंग कंप्लीट नहीं हो रही है, तो इसमें हमारा क्या बनेगा, चौथा पोर्शन ध्यान दो, चौथा पोर्शन इनको जोड़ लो NH2 फिफ्थ में लास्ट में कार्बन हो जाए तो कार्बन को ग्रुप बना लो, ये कार्बन की बैलेंसी चार करनी है, ये बन गया। अगर आप कंफ्यूजन भी कर रहे हो, ये हाइड्रोजन इसको दे दोगे तो कार्बन को एन की बैलेंसी कंप्लीट नहीं होगी तो बॉन्ड नहीं बन पाएगा। अब देखिए क्या क्या बनेगा, स्ट्रक्चर जो बनेगा इसका, जो आंसर निकालना आपको, कार्बन रख लो, इसके चार बॉन्ड है, इन चार कंपाउंड को इसे जोड़ दो, क्या किया हमने, इधर जोड़ दिया NH2, इधर जोड़ दिया बेंजीन रिंग और यहां CH2 CH3 CH2 CH3। अब देखिए केमिकल सिक्वेंस निकालोगे, 1 1 2 2 3 4, तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्रोजन है, सिक्स हाइड्रोजन ट्रिपलेट, दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, फोर हाइड्रोजन क्वार्टेट NH2, इसके बगल में कोई भी कार्बन का हाइड्रोजन नहीं है तो सिगरेट दे रहा है। नाइट्रोजन आपका कैसे है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम है तो इसने इसको बहुत दिया है, 3.6 पे दिया है, एरोमेटिक कंपाउंड को 7.3 पे दिया है, तो ये आपका स्ट्रक्चर होगा, इतना बनाना होता है आपको। अब हम इसमें बात करते हैं H1NMR स्पेक्ट्रा, वही TMS, यहां पर 0 ppm और जोड़ना क्या है, जो सबसे कम है, सबसे पहले किसका आ रहा है, ट्रिपलेट का आ रहा है, सिक्स हाइड्रोजन का इनका आ रहा है, तो ट्रिपलेट का होता है 1:2:1, ये आ रहा है आपका 1.9 पे, 1.9 डेल्टा पे CH3 के लिए, सिक्स हाइड्रोजन CH3 के लिए। उसके बाद चार हाइड्रोजन का क्वार्टेट कब आएगा, 1:3:3:1, ये आ रहा है CH2 का, फोर हाइड्रोजन, ये कितने पे आ रहा है, 2.5 डेल्टा पे। इसके बाद आ रहा है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन सिगरेट देगा 3.6 पे, ऐसे बना दो इसको NH2, दो हाइड्रोजन 3.6 डेल्टा, लास्ट में आपका मल्टी सिगरेट कह रहा है उसके भी, ये भी इसको ऐसे बना लो, ये हो जाएगा बेंजीन के लिए पांच हाइड्रोजन, पांच हाइड्रोजन सिंगलेट, यहीं पे आपका ये कह देता है मल्टीप्लेट, ये आ रहा है 7.3 डिग्री। तो देखिए कितना आसान है, अगर आपको गाइडलाइन आ गई कि हमको पहले क्या करना है इसके बाद क्या करना है तो इजीली आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ये इसकी गाइडलाइन है, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।